नमस्कार दोस्तों, आज हमें थालपोस बनाना सीखेंगे, तो चलिए बनाते हैं। थालपोस बनाने के लिए हमने एक कपड़ा लिया है। इस कपड़े को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से इस कोने से मिला देंगे। अब इसको हम इस तरह से नापेंगे गोलाई काटने के लिए। ये 6 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर इसे थोड़ा सा ऐसे घुमा के फिर 6 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर इसे घुमा के 6 इंच पर निशान लगाएंगे। इन निशानों को हम ऐसे मिला लेंगे और यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब इसके बाद इसको खोल के ऐसे रख लेंगे, तो ये देखिए गोल कटिंग हो गई है इसकी। अब इसके चारों तरफ हम झल्लर लगा देंगे। झल्लर लगाने के लिए हमने पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई है 90 इंच। अब इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे एक साइड। देखिए, मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इस पर झल्लर लगाएंगे चारों तरफ। अब हम झल्लर लगाने के लिए इस पट्टी को ऐसे उल्टी तरफ से रख लेंगे और चुन्नट डालेंगे इस तरह से। चुन्नट डालेंगे, इसी तरह हम पूरे में चुन्नट डाल लेंगे। देखिए, मैंने झल्लर लगा दी है। अब इसको हम जोड़ देंगे। ये मैंने जोड़ दिया है। अब इसको अंदर की साइड ऐसे करके तो इस पे ऊपर सिलाई लगा देंगे। देखिए, अब मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। ये कितना अच्छा थालपोस बन के तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।